ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अरे एक सेकंड, वो सीसीटीवी में घटना क्या हुई, उसी दिन जो है उन्होंने एक महिला से और पैर छीना है, उसको जो है पुलिस ने चूंकि एक दिन में दो वारदातें रोक दी थी, तथा चुनौतीपूर्ण तरीके से किया और पुलिस अधीक्षक देवास के निर्देशन में जो है उसमें टीमें गठित की गई, टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और अपने मुख्य तंत्र दिए गया और उसमें तीन लोगों को पुलिस ने हिरासत में रखकर पूछताछ की सख्ती से, उन्होंने उन लोगों को करना स्वीकार किया है। उसमें गिरफ्तार आरोपियों में एक आशुतोष पिता राजेश कुमार चमालिया है और 20 वर्ष से निवासी रोधिया में रहने वाला शाजापुर से लेकर रहने वाला, एक सेकंड आरोपी जो है वो आयुष है वो भी शाजापुर का रहने वाला है और एक तीसरा जो है नाबालिग आरोपी है वो इस दिन वो और साथ में जो मोबाइल ले गए थे, एक मोबाइल उन्होंने तोड़ दिया था, तो उसके जो अवशेष हैं वो पुलिस ने बकायदा सबूत के रूप में जब्त किए हैं। इसके साथ ही इनसे 7 मोबाइल और भी मिले हैं, उसमें एक मोबाइल जो है आई एम में चोरी हुआ था और बाकी 7 मोबाइल जो भी पड़े हुए हैं इनका अभी आई एम सर्च कर रहे हैं और उसमें जानकारी बता रहे हैं कि मोबाइल अपने कहाँ से चुराए हैं, कहाँ से करना है अपने बड़े के। इस पूरी टीम को जो है हमारे यहाँ जय सिंह नायक के कोतवाली और राहुल पाटीदार को यादव ने इसको विशेष रूप से लोड किया और पुलिस ने बहुत अच्छे से काम करते हुए इसको तो 27 तारीख को जो है शिवलाइन थाना क्षेत्र में वन मंडल के पास में एक लूट की वारदात हुई, जिसमें एक महिला अपने हस्बैंड के साथ बाइक पर जा रही थी, पीछे से अज्ञात बाइक सवारों ने उसकी बैग छीन लिया, बैग में मोबाइल था कुछ पैसे थे और उसी रात को इन्होंने एक वारदात और की थी, एक महिला से बैग छीना, उसको पुलिस ने एक चुनौतीपूर्ण रूप से लेते हुए एसपी साहब के निर्देशन में टीमें गठित की गई थी और टीमों ने उसमें 3 आरोपियों को राउंड अप किया, उनसे पूछताछ करते हुए उन्होंने इसको करना स्वीकार किया दोनों लूट्स को, उसमें लूट का जो समस्त मशरूका था वो बरामद कर लिया और एक उसमें नाबालिग है और 2 उसमें नामजद हैं, इनको PRP दिया जा रहा है, उनसे 7 अन्य मोबाइल भी बरामद हुए हैं, उनकी भी जाँच चली है कि वो मोबाइल इन्होंने कहाँ से लिया। कितने लाख का करीब मुझे 3 लाख सर, क्या पुराने आपराधिक रिकॉर्ड इनके, इसमें से एक जो आयुष है उसका पुराना रिकॉर्ड भी है बाकी का नहीं है और एक नाबालिग है। कहाँ के रहने वाले, कुछ जानकारी दें? ये रहने वाले थे शाजापुर के लेकिन फिलहाल अभी ये देवास में। किस तरह से वारदात को अंजाम देते थे सर? ये बाइक्स पे देखते थे, पीछा करते थे, जहाँ लगा कि ये गाड़ी स्लो हुई है या सुनसान इलाका है तो वहाँ बैग वगैरह या मोबाइल छुड़ा के। सर बड़े ही शातिर तरीके से ये अपराध को करते थे, सराहनीय भूमिका के चलते टीम को क्या रिवॉर्ड देंगे? टीम जो है उसका जो रिवार्ड है SP साहब डिसाइड करेंगे और उसमें चूंकि CSP TI सिविल लाइन TI कोतवाली और पवन और राहुल इन्होंने अच्छा काम किया है तो निश्चित रूप से इनको अच्छा नाम मिलेगा। थैंक यू।